आज हम इस वीडियो में बीपी मशीन का रिव्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक डायमंड कंपनी का बीपी मशीन अवेलेबल है, इसका हम रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, हम इसमें सब कुछ बताएंगे, इसके कौन कौन से पार्ट्स का नाम क्या है और इसके काम क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, इसका हम पैकेजिंग को देखते हैं। इसका हम पैकेजिंग खोलते हैं। इसको आपको ऐसा कुछ अंदर से एक छोटा सा बैग मिल जाता है। इसको अगर हम ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर हमारा जो बीपी मशीन है दोस्तों, ये हमको मिल जाता है। ये हमारा बीपी मशीन हो गया। इसको हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स इसमें हैं और इसके क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम इसको देख लें, ये हमारा एयर बल्ब होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हम एयर को फिल करते हैं कफ में। इसके बाद दोस्तों, ये हमारा हो जाता है डायल, जिसमें हम बीपी का मॉनिटर करते हैं और इसकी सहायता से हम पता चलता है कि बीपी कितना है। ये हमारा डायल हो जाता है। और इसके पीछे दोस्तों, ये आपको इसको हैंगिंग के लिए ये बहुत अच्छा सा यहाँ पे क्लिप मिल जाता है। इसकी सहायता से आप कहीं भी इसको ऐसे करके आप हैंग कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे क्लिप मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, ये हमारा एयर पाइप हो गया, ये हमारा एयर ट्यूब है। इसको यहाँ से हम खोल भी सकते हैं। अगर आपके सिर्फ ये डायल में कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको यहाँ से हम ओपन करके इसको हम चेंज कर सकते हैं या बनवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमको ये कफ मिल जाता है, इसको कफ बोलते हैं, जिसको हम बाजू पे बांध कर बीपी को मेजर करते हैं। और इसके अंदर एक रबड़ का एक बैलून होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करने में सहायता करता है। यहाँ पे हमको दो रबर ट्यूब इस कफ के अंदर इंटर हुए दिख जाता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, तो इसका एक एंड जो है, इस हमारे एयर बल्ब से जुड़ा रहता है, जहाँ से हमको एयर इसको पंप करते हैं और एयर को इस जो इसके अंदर जो रबर बैलून होता है इसमें फिल करते हैं। और दूसरा इसका पाइप का जो एंड होता है, वो हमको इस डायल से जुड़ा हुआ मिलता है। ये क्या होता है, इस बैलून में हम इधर से एयर को फिल करते हैं और वो एयर जो है इस डायल के अंदर जाता है, जिसकी सहायता से इसका जो सुई है वो ऊपर की ओर उठता है और वो बीपी को मेजर करता है। इसके बाद दोस्तों, हमको यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ ये वॉल्व मिल जाता है। इसका काम क्या होता है, इसको एयर रिलीज करने में ये हमको हेल्प करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम इसको यहाँ से टाइट कर लेंगे और इसको जितना दबाएँगे यहाँ पर, ये इसके अंदर फूलते जाता है, ये फूलेगा और ये अब इसके अंदर का एयर को रिलीज करना है। तो यहाँ पे इस बल्ब को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको हम रिलीज करेंगे। जैसे कि आप ये आवाज़ को सुन सकते हैं, यहाँ से हमारा एयर रिलीज होता है।